नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जिले के शुकवाहाबाद स्टेशन रोड मेलावाला बाग स्थित टुइया वाले भोले बाबा मंदिर पर चल रही शिव कथा में आज बुधवार छठवें दिन वृंदावन से पधारे शास्त्रोपासक निशांत मिश्रा ने राजा बलि और बामन देव की कथा सुनाई। इस दौरान श्रोता कथा सुनकर भाव विभोर हो गई। शास्त्रोपासक ने कहा कि भागवत का मंत्र ग्रंथ नहीं है जो ज्ञान की वृद्धि करे, अपितु तो यह जीवन व्यवहार है। समुद्र मंथन का प्रसंग सही मायनों में आत्मावलोकन और आत्मविश्लेषण है, जो तन मन व को शुद्ध करके भगवानमय बनाता है। वायु का भी जीवन में बड़ा प्रभाव है। शास्त्रों ने वायु के 49 प्रकार कहे हैं। 52 अवतार की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह अवतार कुल 52 जौ के बराबर काटी थी, लेकिन जब बलि के यज्ञ में सन्यासी 52 देव ने 3 डग बराबर भूमि मांगकर पृथ्वी आकाश को 2 डग में नाप कर न सिर्फ बलि का अहंकार चूर किया बल्कि तीसरे डग में उनके मस्तिष्क पर पैर रखकर उद्धार भी किया। जब विपत्ति में बलि ने पूर्वजों को याद किया तो समाधान मिला। जब परिस्थिति बिगड़े तो पूर्वजों को याद करें। दान का यदि अहंकार हो जाए तो दान का महत्व घट जाता है। लक्ष्मी जी ने पहली बार रक्षाबंधन करके राजा बलि को भाई बनाया। कथा पंडाल में कथा सुन रहे श्रोता भाव विभोर हो गए। इस दौरान टुइया वाले भोले बाबा ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अलावा काफ़ी संख्या में पुरुष महिला एवं बच्चे भक्त मौजूद रहे। तो देखते रहिए C20 न्यूज़। बोलो श्री टुइया वाले बाबा की टुइया वाला ट्रस्ट शुकवाहाबाद द्वारा 7 दिवसीय श्री शिव महाप्रार्थि का प्रकार आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे व्यास हैं श्री प्रशांत मिश्रा जी, श्री धाम वृंदावन से बहुत सुंदर दिव्य भक्त मंगलमयी श्री भगवान शंकर महादेव की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आज छठवें दिन की कथा का वर्णन किया और आज की कथा में मुख्य रूप से राजा बलि और भगवान वामन अवतार की कथा का वर्णन किया गया। उसमें राखी के महत्व को बताया गया कि राखी की परंपरा कैसे शुरू हुई, उसमें एक किरणवंती है, उसमें एक ये भी है। आज बताई थी कि राखी कब से शुरू हुई, क्यों वाली राजा बलि को थे, सब आज कथा बताया। और कल की कथा और है, परसों विशाल संत भंडारा आयोजित किया जाएगा बाबा के भक्तों द्वारा। सभी लोग कल की कथा और है श्रवण करें और इस पवित्र श्रावण मास में भगवान शंकर की लीलाओं का वर्णन, भगवान शंकर की पूजा करना बहुत पुनीत और बहुत पुण्य का कार्य होता है। सभी भक्त आए और ये धर्म लाभ उठाएं। बोल हर हर महादेव। अजी क्या सोच रहे हो? हम यही सोच रहे हैं कि बच्चों का एडमिशन कौन से स्कूल में और कहां कराया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ने जाएं जहां हिंदी और इंग्लिश मीडियम हो और नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी कराई जाती हो। हाँ हाँ, तो सुनिए, अपने पड़ोसी शर्मा जी हैं ना, उनके बच्चे होली पब्लिक स्कूल में ही तो पढ़ते हैं शुकवाहाबाद में। इस विद्यालय में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ठीक है राधा, हम भी अपने बच्चों का एडमिशन होली पब्लिक स्कूल शुकवाहाबाद में ही कराएंगे। हाँ चलिए। जी हाँ, आप भी अपने बच्चों का एडमिशन होली पब्लिक स्कूल शुकवाहाबाद में कराएं और बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाकर बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाएं। उत्तम शिक्षा का सर्वोत्तम विद्यालय होली पब्लिक स्कूल माधोगंज शुकवाहाबाद। होली पब्लिक स्कूल में आवासीय सुविधा उपलब्ध, कुशल अनुभवी क्वालिफाइड टीचरों द्वारा सर्वोत्तम शिक्षण कार्य, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना सिखाना, आधुनिक कंप्यूटर लैब, कमजोर बच्चों के लिए अलग से कक्षाएं संचालित, आवासीय बच्चों के रहने व खाने पीने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। नवोदय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और विद्या ज्ञान की तैयारी कराई जाती है। आप अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तम शिक्षा दिलाने के लिए
आप अपने बच्चों का एडमिशन होली पब्लिक स्कूल शोहाबाद में ही कराएं। एडमिशन ओपन, प्रवेश प्रारंभ। नर्सरी से कक्षा 9 तक विद्यालय का नाम और पता नोट कीजिएगा, होली पब्लिक स्कूल माधोगंज शिकोहाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9456628309 एंड 9456628310। होली पब्लिक स्कूल शिकोहाबाद।